हमारी जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघलना तो है ही, इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। मिला है सब कुछ तो फरियाद क्या करें, दिल है परेशान तो जज्बात क्या करें। आप सोचते होंगे कि हमने आपको याद नहीं किया, जब हम आपको भूले ही नहीं तो याद क्या करें। पत्नी अपने पति से पूछती है, अजी सुनते हो? पति, हाँ बोलो। पत्नी, अजी मैं 2 किलो मटर ले लूँ? पति, हाँ देख लो, मुझसे क्या पूछती हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। पत्नी, अजी मैं आपसे पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप 2 किलो मटर छीन लोगे या उससे कम लूँ। मिला है सब कुछ तो फरियाद क्या करें, दिल है वो परेशान तो जज्बात क्या करें। आप सोचते होंगे कि हमने आपको याद नहीं किया, हम भूले ही कब थे जो आपको याद करें। पति ने अपनी पत्नी से गुस्से में कहा, मैं इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? पत्नी, अजी मैं ना फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं ना रिंगटोन पर डांस कर रही थी। परेशानी के वक्त अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो उसको सलाह के साथ साथ अपना हाथ भी जरूर देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन आपका साथ नहीं। पत्नी अपने पति से, कहाँ पर हो? पति, यहाँ तो पीछा छोड़ दे, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, अच्छा देख कर जाना, लेकिन वो टिफिन सीधा कर लेना, कहीं दाल ना गिर जाए। तुम्हारे ख्यालों से फुर्सत नहीं मिलती, एक पल का आराम नहीं मिलता, यूं तो सब कुछ है हमारे पास लेकिन आपकी सूरत देखने के लिए नहीं मिलती। जैसे ही राजू जैसे ही ऑफिस से घर आता है, उसकी बीवी उसे लात घूंसे डंडे मुक्के पता नहीं क्या क्या मार देती है। बाद में राजू पिटने के बाद पूछता है, मुझे क्यों मारा? पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि जो हमारे साथ वाले शर्मा जी है ना, उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तुम मुझे क्यों मारा? तुम मैंने इसलिए मारा ना ताकि तुम्हें खौफ बना रहे। दुनिया का सबसे अच्छा पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पे नहीं हमारे दिलों में होता है। खाना खाते हुए पति ने पूछा, ये जो सब्जी बनाई है तुमने, इसका क्या नाम है? पत्नी, क्यों पूछ रहे हो? पति, मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना है कि क्या खा के मरे थे। हमें ये स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है कि जो भी कुछ हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। भारत में 1% लड़कियां हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन इतने अच्छे अच्छे खेल खेलती हैं, नहीं तो बाकी तो 99% लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों की जिंदगी से खेलती हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए तो 3 चीज़ों को हमेशा अपनी जेब में रखें, कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश अपने भविष्य के लिए, सच अपने काम के लिए, विश्वास भगवान में रखें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ए भगवान, आपके सर से खून क्यों बह रहा है? मेरे दोस्त ने मेरे सर पे ईंट मार दी। तो आप ही मारते थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था? था ना, मेरे हाथ में था, उसकी बीवी का हाथ। एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं ना, वो चीज उनके पास किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है।
पति रोज जाकर किचन में चीनी का डब्बा चेक करता था। 2-3 दिन हो गए लगातार। पत्नी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्यों जी आप किचन में जाकर चीनी का डब्बा क्यों चेक करते हो बार बार? पति, अरे मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा था घर जाकर रोज डेली आपको शुगर चेक करना है। आपको मालूम है जलेबी कितनी मीठी होती है, लेकिन वो एक संदेश देती है, जिंदगी कितनी भी उलझी रहे लेकिन हमेशा दूसरों को मिठास देते रहें। पत्नी गुस्से में, सुनो जी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पति, मैं भी जा रहा हूँ। पत्नी, तुम कहाँ जा रहे हो? पति, मैं भी जा रहा हूँ निर्मल बाबा के यहाँ, कृपा आनी शुरू हो गई। कृपा दर्शनी लगी। टीचर गुस्से में, परसों स्कूल क्यों नहीं आए थे? राजू, जी मैं ना परसों स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि परसों मेरे इस घर में पूजा थी। टीचर, कल क्यों नहीं आए थे? कल मेरे घर में प्रिया थी। जिंदगी भी दो तरह की होती है, एक आपके खिलाफ और एक आपके हक में। जिस दिन आपके हक में हो तो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन थोड़ा सा सब्र करना, फिर देखना। दुकानदार, हे जी बोलिए कैसी साड़ी दिखाऊं? ग्राहक, ऐसी साड़ी दिखाना जो पड़ोसन तड़प तड़प कर जल जल कर दम तोड़ते। रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती, अगर साथ हो अपनों का तो जिंदगी भी जन्नत से कम नहीं होती। टीचर, चल रहे राजू ये बता क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? स्टूडेंट, मैडम जी लड़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या पता एग्जाम में कल किसके पीछे बैठना पड़ जाए। अगर आपसे कोई छोटी सी उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, ये आपके प्रति उसका प्यार और विश्वास है जो आपकी तरफ खींच रहा है। टीचर, राजू ये बताओ अस्पताल किसे कहते हैं? राजू, मैडम जी जो पृथ्वी से स्वर्ग जाने के बीच में जो टोल पड़ता है ना उसे अस्पताल कहते हैं। सबनम की बूंदे पत्ते भिगा रही है, ठंडी ठंडी लहरें ताजगी जगा रही है, हो जाइए आप भी उसमें शामिल, आपको नई ताजगी से भरी सुबह बुला रही है। कौन कहता है हवा मुफ्त में होती है? कभी 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीद के देखना, 7 रुपए की हवा और 3 रुपए की चिप्स होती है।